ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटियाला से आए कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों का एक ग्रुप कंडागढ़ के ज्यूरिक होटल में ठहरा था, लेकिन उसकी होटल की बालकनी से गिरने से एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इसकी घटना का खुलासा तब हुआ जब ड्यूटी पर जाते समय होटल मैनेजर की नजर नीचे गिरे व्यक्ति पर पड़ी, जो कि हिल डुल नहीं रहा था। उसने तुरंत इसकी सूचना पटियाला से आए अन्य लोगों को दी। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पटियाला से आए कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों का एक ग्रुप कंडागढ़ के ज्यूरिक होटल में ठहरा था, लेकिन उसी होटल की बालकनी से गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब ड्यूटी पर जाते समय होटल मैनेजर की नजर नीचे गिरे व्यक्ति पर पड़ी, तो जो हिलडुल नहीं रहा था, उसने तुरंत इसकी सूचना पटियाला से आए अन्य लोगों को दी। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पटियाला से कोऑपरेटिव सोसाइटी के 44 सदस्यों का एक ग्रुप कंडागढ़ में एक होटल में ठहरा था। रात को वे अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन सुबह मैनेजर ने उन्हें सूचना दी कि उनका एक साथी बाहर गिरा पड़ा है, जिसे अस्पताल लाया गया और उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच में पाया गया कि जिस कमरे में वह ठहरा हुआ था, उस कमरे की बालकनी में कोई भी ग्रिल नहीं लगी हुई थी, जिसके कारण वह व्यक्ति वहां से नीचे गिर गया। शिव कुमार ने बताया कि इस मामले में होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कंडागढ़ पुलिस स्टेशन में हमारे पास एक मिस्टर फरजंद संधु हैं, जो कि पटियाला के रहने वाले हैं। इन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके अनुसार ये यहाँ पे 44 मेंबर्स, जो कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, उनके साथ यहाँ होटल ज्यूरिक में ठहरे थे और यहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित इनकी कोई मीटिंग थी। 24 तारीख को ये लोग यहाँ आए थे। 25 तारीख को मॉर्निंग में इन होटल के मैनेजर ने इनको इन्फॉर्म किया कि इनका कोई व्यक्ति जो है नीचे गिरा हुआ है, जिसको वहाँ से उठा के जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों द्वारा उनको ब्राउट डेड डिक्लेयर किया गया। इस पे जो है पुलिस को भी सूचना मिली और पुलिस जब मौका पे गई तो पाया गया कि जहाँ पे व्यक्ति ठहरे थे होटल में, और पर्टिकुलरली जो डिजीज्ड है, वहाँ पे होटल के पीछे कमरे के पीछे जो बालकनी है उसमें ग्रिल नहीं लगाया था होटल वालों ने। इसमें इनकी कंप्लेंट के अनुसार होटल मैनेजमेंट की लापरवाही पाई गई, उनके खिलाफ जो है 336/304A के तहत केस दर्ज किया गया है। बॉडी का इसका पोस्टमार्टम करवाया गया है और उनके जो परिजन हैं उनको हैंडओवर किया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।